हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टी पंचाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही एडवेंचर प्लेस पे जाने वाली हूँ जो है कि सन सरोवर डैम, जो आता है गांधीनगर में। तो हम लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और फटाफट से वहाँ निकलने वाले हैं। मैं और संदीप जाने वाले हैं और फ्रेंड्स वहाँ पर जाके बहुत मज़ा आने वाला है। सारी की सारी जितना मज़ा हम लोग करने वाले, जो मस्ती, जो सारे अच्छे व्यू है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लस ऐसा मन है कि डैम में जरूर जाके डुबकी तो एक बार लगानी है। तो बस बने रहिए व्लॉग में। व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। लोकेशन क्या जोरदार है इधर का। हम लोग डैम देखने के लिए आए हैं। नहीं है ना कुछ भी, ये बिल्कुल सही बंद है ना, लेकिन एरिया ना रास्ता इलीगल है। तो ये रास्ता है, तो पकड़ ना ले। ये देखो हम शॉर्टकट एक रास्ता मार रहे हैं मस्त। तो आ जाओ, ये जुगाड़ वाला रास्ता इसको बोलते हैं। ये अनलीगल है यार, लीगल नहीं मतलब। यार कोई हमको पकड़ लेगा तो। तुम इतने लंबे इंसान कैसे इसमें से आ जाते हो? हाँ चल अभी फटाफट। बहुत सुनसान जगह है, बहुत ज्यादा एकदम। देख रहे दूर दूर तला कुछ नहीं है, बस एक कांटे के झाड़ है। आई थिंक ये वो है, पता है वो शिवजी को चढ़ता वो है, धतूरा है शायद। हाँ धतूरा का झाड़ है ये। ये देखो ये वाला धतूरा है वो। काटे लगे हुए। पानी इतना सारा नहीं, डैम बंद है लेकिन बहुत रिस्की है ऐसा खुद कराना, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर उन्होंने डैम खोल दिया और झटके से पानी आ गया तो। अगर पानी आ गया ना, देख क्योंकि पीछे देख कितना पानी है। पता है ऐसे कितने सारे केसेस बनते हैं। चलने चलेंगे, चलो ना चलते हैं। अभी यहाँ तक आए हैं वो लोग, आ गए वो लोग भी यहीं पे। और एक वो लोग किधर पहुंचे? बोल। यहाँ पे पता है दूर दूर तक कोई फीमेल नहीं, अकेली मैं सारे के सारे बॉयज लोग हैं। गलत है ना, मैंने बोला था ना नहीं। हाँ उधर से घूम कर जाना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ से, वो लोग शायद इधर से ही गए। एडवेंचर हो गया एकदम। धूप में आए, पानी पूरा बंद है, इसलिए पता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये। जब अगर पानी चालू होगा ना फ्रेंड्स, ये पानी है ना पूरा यहाँ तक आता होगा। देखो यहाँ पे, देखो ये डाला हुआ है, दिख रहा है नेट और ये डाला हुआ है, क्या बोलते पत्थरों का एक बनाया है पूरा वॉल जैसी बनाई हुई है। सो ये साइड तो नहीं जा सकता पानी, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो पानी इस तरफ के लिए आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की जगह है, बच्चों के साथ प्लीज़ कभी मत आइए। हम तो एक्सप्लोर करने आ गए हैं, है ना संदीप? ऐसी जगह पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बहुत बार आया हूँ, मतलब यहाँ पे नहीं आया हूँ। छोटे छोटे
झाड़ उगे हुए हैं, लगता बहुत टाइम से ना पानी चालू नहीं हुआ है, देख रहे हो? नहीं बहुत टाइम से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। क्या पानी भरा हुआ है? पानी आगे भी है, चलो बहुत दूर तक जाता है, ये बहुत डेंजरस है। हा? बहुत डेंजर है, अगर खुल गया ना डैम मेरी चप्पल टूट जाएगी, लेकिन अभी हमें क्या पता था कि ऐसे प्लेस में भी आएगा। यहाँ पे दिखा ना, ये देखो ये नदी के पानी की जगह बनी हुई है, पानी ने अपना बनाया हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे पानी बहता रहता है। ये बहुत अजीब सी जमीन है, तो इसको पैर मत रखना क्योंकि ये पूरी अंदर जा रही है, देखना। अरे वही जो अपन नहीं रिवर फ्रंट देखते रहते हैं, वो यहाँ से रहता है पानी। तो गाइस नया नया चप्पल टूट गए मेरे, टूट गए सच में? हाँ वो टूट जाएगी, मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, निकाल देना, ये थोड़ा सा मैला पानी है। अरे देखो लोग नहाने आए हैं, ये लोग, इनको घर पे नहाने मिलता नहीं है इसलिए ऐसे लोग नहाने आते हैं यहाँ पर, इनके घर में पानी नहीं आता है। लो मच्छी भी पकड़ने आ गए, वाह मिलने वाली लगता है तुमको, क्या बनाओगे उसका? पालोगे तुम? ओ ये रही, ये रही, बहुत एक ढूंढ में मछली वछली पकड़ने जालियां लेकर आया है तुम। ये लोग आके यहाँ पर डैम को गंदा करके जाते हैं, देखिए यहाँ पे फूल वगैरह डाले हुए हैं, भगवान की पूजा करो। मंदिर वगैरह डाले यार, मंदिर ऐसे कैसे डाल सकते हैं? डाल दिया है मंदिर की हम पूजा करते हैं हमेशा, उसको इतने सजा के साफ करके घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, उसमें भगवान की मूर्त रखते हैं, भगवान की तस्वीर रखते हैं, और फिर जब वो थोड़ा सा भी ऐसा हो जाता क्रैक वगैरह हो जाता तो उसको ऐसे ला के डाल देना चाहिए। गलत है, देखो कैसे किया हुआ है गंदगी, इंसान ही है पता है सारी चीज़ों को, प्रकृति को खराब करने के लिए अगर किसी का हाथ है ना सबसे बड़ा। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. जोरदार पोपट हुआ अब की बार, क्योंकि है ना हमको ऐसा लगा था कि डैम चालू रहेगा पर डैम तो है बंद, और प्लस यहाँ पे ऐसे सब पड़ा हुआ है, देखो अगर डैम भरा होता तो इतना गंदा नहीं पड़ा होता, बह के चला गया होता, निकल जाएगा आगे। बरसात के टाइम पे शायद ऐसा नहीं होता होगा, नहीं पानी, और ये लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, ये देखो ये घर पे मच्छी ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखो कैसी अंदर से काई आई हुई है, कैसे एकदम दिख रहा है सीन, कैसा दिख रहा है, गिर जाएगी। सागर के अंदर का सीन नहीं होता कैसा दिख रहा है, ये जमा हुआ पानी है ना इसलिए गंदा हो गया। पानी बंद होने की वजह से ना ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे लेक बन गए, क्या है ये रहे, ये सारे लेक बन गए यहाँ पे छोटे छोटे तालाब की जैसे, यहाँ का तो सबसे गंदा है, और वहाँ पीछे के साइड में देखो पूरी जगह एकदम बंजर पड़ी हुई है,
पूरा पूरा सूख गया, कोई बोल ही नहीं सकता यहाँ पे कोई पानी नदी वगैरह होगी। वहां से देखो रिवर फ्रंट का ब्रिज दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये रिवर फ्रंट का ब्रिज है। वहाँ एक चरवाहा अपने भैंसों को चरवा रहा है और ये डैम यहाँ से बन रहा है। कुछ इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, दोपहर का टाइम है, कोई बंद है। लेकिन देखिए ये है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल उगे हुए, कांटे फूल नहीं कांटे, हाँ पर फूल है उनमें, कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रही है कांटे। हाँ तो पैर रखोगे, चप्पल पहन के आए हो तुम। वो बटरफ्लाई बैठ गई ना, अरे कितनी मस्त लग रही है मुझे बटरफ्लाई। बहुत हमने सोचा बहुत एंजॉय करेंगे फ्रेंड, इसलिए अच्छा ही हुआ कि बच्चे नहीं आए साथ में, तो और बच्चे लोग को लेकर भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो? ऊपर यहाँ से। ये बोरा क्या है? ये देखो कुछ फल जैसे होगा हुआ है। देखो अरे वो फल जैसा नहीं, उसमें फूल उगते हैं। ओके और ऊपर जाना है गाइस, देखो कितना चढ़कर आए थे ऊपर से नीचे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। एडवेंचर करने का शौक है ना बहुत, करो तो करेंगे ही ना। फ्रेंड ये डैम पे आने की लोकेशन थी यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है यहाँ पे। देखिए ओ सामने दिख रहा है पानी का, ये पानी का, हाँ इसमें पानी स्टोर किया जाता है आम लोगों के लिए, यहाँ से ही सप्लाई होता है, जो कि कैसा होता होगा ना, अलग ही सीन होता होगा ना यहाँ का, पूरा कीचड़ से भरा हुआ। मंदिर बंद हो कुछ नहीं, बाहर तो बैठेंगे, मंदिर की छांव पर तो बैठेंगे। फ्रेंड हमारे फ्रेंड लोग है ना पीछे है, पड़े हुए हैं पीछे है वो लोग, अब हम लोग वहाँ से कंटल के आगे निकल गए। हम लोग आगे निकल गए और अब हम लोग कोई छांव वाली जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग बैठ सके। सो ये देखिए कैसे कैसे घुमावदार रास्ता है यहाँ का। ओह नीलगाय फिर से देखने मिल गई, तो बैठना है झाड़ के नीचे, देख वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी मंदिर में ही बैठ सकते हैं आराम। झाड़ के नीचे आके बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उन लोगों का वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी छांव नहीं थी,
मेरा मुंह तो पूरा लाल टमाटर जैसा हो गया। देखेंगे, धूप में मैं ऐसी हो जाती हूँ, पूरे टमाटर जैसे लाल हो जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे हमारे फ्रेंड लोगों का। ये रहा आपके संदीप। संदीप कैसा लग रहा है? बहुत खराब। हालत खराब? बेटा नीचे गए तो पोपट हो गए, कुछ नहीं। डैम वैम कुछ नहीं। ये यहाँ का हाईवे है, हाईवे की सड़क है। हम लोग इस रास्ते से आए थे, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दो मंदिर भी हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जूम करके। देखिए, जूम करके मैंने दिखाया, ये मंदिर है, एक महाकाली का एक भद्रकाली का ऐसे मंदिर है। पर अभी क्या दोपहर का टाइम हो चुका है और मंदिर बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। सो इस मंदिर में हम लोग आप लोगों को बन गया है, लंबा नहीं बना है पर ब्लॉग तो बना है। आप लोगों को कुछ हम लोगों ने चीज़ें दिखाई हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना मेरे वीडियो को, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार बनाए रखिए मेरे वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।